नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए LCD की इंटरफेसिंग करवाते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तो उसमें हमने डाटा के लाइंस दे दी, हमने उसको वोल्टेज दे दिया, ग्राउंड दे दिया, बैकलाइट के कनेक्शन कर दिए। एक जो कनेक्शन होता है कंट्रास्ट का, जो होता है VEE, जो उसकी तीसरे नंबर की पिन होती है, वो होती है VEE, वो कंट्रास्ट सेट करती है कि LCD के कंट्रास्ट क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंट्रास्ट होता क्या है। देखो, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है जी, मैंने फिगर दूसरी लाइन की, आपको इनमें से कौन सी लाइन ज़्यादा गाढ़ी दिखाई दे रही है? डेफिनेटली ऊपर वाले, तो ऊपर वाले का कंट्रास्ट ज़्यादा है। कंट्रास्ट का मतलब समझ गया कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा गाढ़ी दिखाई देगी, मतलब जो बैकग्राउंड है और जो जिस चीज़ से वो लिखी हुई है, शब्द या अक्षर लिखा हुआ है, उन दोनों के कलर में, रंग में बहुत अंतर होता है, कंट्रास्ट होता है, एकदम चौंक में आ जाए, वो होती है कंट्रास्ट। ये चीज़ सेट करती है हमारे पिन नंबर 3 LCD की। अब क्या होता क्या है कि हम इसको सेट करने के लिए, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से कोई भी कंट्रास्ट सेट कर सकें, तो हमें वहाँ एक फिक्स वोल्टेज देनी पड़ती है पिन नंबर 3 पर। अब 3 पर वोल्टेज देने के लिए, क्योंकि हमारे अपनी मर्जी के हिसाब से हम कंट्रास्ट को सेट करते हैं, हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बना देते हैं हम, जनरली आमतौर पर 5K का या 10K का हम एक पॉट लेते हैं, इसको हम वहाँ पर एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर लेते हैं। जितनी वोल्टेज हमें सेट करनी होती है, हम उसको सेट कर लेंगे पॉट को घुमाकर, और जहाँ हमको लगेगा कि हाँ ये कंट्रास्ट मेरे लिए बहुत सही है, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा। ये हॉबीज तक तो ठीक है, जब हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर गिनती में कम है प्रोजेक्ट्स, हम वो बना रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन जब मानो आपने कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया और उसमें धड़ल्ले से पीसेस बनने हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, क्योंकि ये फिर हर पीस को रोक के टेस्ट करके वोल्टेज सेट करनी, हर पीस को रोक के सेट करके वोल्टेज सेट करनी, बहुत टाइम इसमें लगता है। इसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं देता हूँ और जो मैंने दिया है इंडस्ट्रीज़ में, जो मैं करता हूँ अपने सर्किट्स में, जो मैं सर्किट डिजाइन करता हूँ इंडस्ट्री को देता हूँ, उसमें क्या है कि मैं सीधे बजाय के पॉट लगाने के, मैं दो रेजिस्टेंस का डिवाइडर बना लेता हूँ, 4.7 के, 4K7 बोलते हैं इसको, और 1K, इन दोनों का मैं रेजिस्टेंस का डिवाइडर बनाता हूँ, मुझे अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास वोल्टेज मिल जाती है, जो कि बहुत सही रहती है मेरे कंट्रास्ट को, मेरे डिजिट्स को, मेरे चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, इन इस पॉट की जगह पर ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिए, तो जो मेरी टेस्टिंग की जो स्टेज है कि मेरे को हर पीस को टेस्ट करना है, वो मेरा बच जाता है। सेकेंडली मेरी कॉस्टिंग बच जाती है, इस एक के मुकाबले ये दोनों मुझे बहुत सस्ते पड़ते हैं इंडस्ट्री को, हम मुझे नहीं, इंडस्ट्री को बहुत सस्ते पड़ते हैं, तो कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है इससे कि अब मुझे ये नहीं लगाना, अब मुझे खाली दो रेजिस्टेंस लगा के उसका डिवाइडर बना के मेरा काम चल जाता है। दोस्तों, मेरा जो पर्पज़ है ना इस चैनल का, वो यही है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता चले। थ्योरेटिकल चीज़ें, किताबी ज्ञान तो आपको बुक से मिल ही रहा है, आपने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी होगी और कर रहे होंगे तो उसमें आप ले ही रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इंडस्ट्री को अच्छे से अच्छे इंजीनियर पहुँचें, और जो कि जिन्हें पहले से ही काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान हो। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर ज़रूर बताना, कोई और डाउट हो, कुछ और चीज़ें जाननी हो आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में रख के ज़रूर बताना। धन्यवाद।